अगर आपको आज मीठे की बहुत क्रेविंग हो रही हो तो मैं आपके लिए लाई हूँ फटाफट बनने वाला एक ऐसा स्वीट। आप जिसको भी खिलाएंगे वो आपसे पूछेगा इसको कैसे बनाया। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम एक चाशनी तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप शक्कर। तो जितनी शक्कर ली है उतना ही पानी, मतलब 1 कप पानी। इसमें डाल देंगे थोड़ी सी केसर। गैस को हम ऑन कर देंगे और इसको फुल फ्लेम पे करीब 7 से 8 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब तक शुगर या शक्कर पिघल नहीं जा रही है इसको आप लगातार चलाते रहें, नहीं तो शक्कर कई बार नीचे चिपक जाती है और चाशनी जो है वो जल जाएगी। चाशनी को मैंने ऑलमोस्ट 7 से 8 मिनट तक पकाया है और आप देखें ये थोड़ी थिक हो गई है। और अगर आप इसको टच करेंगे ना तो ये देखिए स्टिकी है पर इसमें कोई तार नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरह की चाशनी चाहिए हमें। इस टाइम हम गैस को ऑफ कर देंगे और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा येलो फूड कलर। तो आप कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हो और अगर आप कलर यूज़ करना ना चाहो तो आप कलर छोड़ भी सकते हो। बस इससे क्या है ये स्वीट देखने में कलर के साथ बहुत ही सुंदर दिखता है। अब हम इसको मिला लेंगे और चाशनी को ठंडा होने रख देंगे। तो जब तक चाशनी ठंडी हो रही है मैंने यहाँ पर लिए कुछ ब्रेड पीसेस। तो हम क्या करेंगे ना इनके जो साइड्स हैं वो इस तरह से कैंची से या चाकू से अलग कर देंगे क्योंकि ये खाने में हार्ड होते हैं तो खाने में ना उतना मज़ा नहीं आएगा मिठाई में। तो बस हम क्या करेंगे 2 ब्रेड्स को एक साथ रखेंगे और इस तरह से इनके स्क्वायर पीसेस कट कर लेंगे। ये देखिए तो आप एक साथ रख के काटें जैसे कि जब हम इनके सैंडविचेस बनाएं ना तो ब्रेड जो है एक सी रहे ऊपर नीचे ना हो। तो बस इसी तरह से मैं कुछ और ब्रेड पीसेस भी कट करके तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने कुछ पीसेस तैयार कर लिए हैं, हम इनको साइड में रखेंगे और आइए बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार सी स्टफिंग। और मैंने यहाँ पर एक बोल लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून मलाई। तो फ्रेश मलाई यूज़ करनी है, मलाई नहीं है तो क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसमें मैं डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून भर के मिल्क पाउडर, 2 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट या फिर सूखे नारियल का बुरादा और इनको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आप चाहो तो ना यहाँ पर कंडेंस मिल्क का भी यूज़ कर सकते हो अगर मिल्क पाउडर यूज़ करना नहीं चाहते हैं। तो ये मिक्सचर ना मुझे अभी थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो मैं क्या करूँगी इसमें थोड़ा सा दूध डालूंगी जिससे कि इसको आसानी से मिलाया जा सके। तो ध्यान रखिएगा इसको बहुत पतला नहीं करना है, इसको हमें थिक कंसिस्टेंसी का रखना है। और यहाँ पर हमने ना मिल्क पाउडर यूज़ किया है जो कि काफ़ी मीठा होता है तो यहाँ पर हम किसी भी तरह की शक्कर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये देखिए मैंने सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हम क्या करेंगे इसमें डाल देंगे टेस्ट के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर, मतलब 1 चुटकी से 2 चुटकी डाल दें आप। और इसमें डालेंगे ढेर सारे नट्स। तो मैंने यहाँ पर काजू और बादाम को एकदम बारीक बारीक करके इसमें मिलाया है, आप अपनी पसंद के कोई भी नट्स इसमें डाल सकते हैं। और इनको भी अच्छे से हम मिक्सर में मिक्स कर देंगे। तो ये जो मिक्सर मैंने बनाया है ना अगर आप थोड़ा सा शक्कर डाल के खाओगे ना तो एकदम खोए जैसा टेस्ट आएगा और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो ये देखिए तैयार है। और जो हमने ब्रेड पीसेस कट किए थे हम क्या करेंगे एक ब्रेड का पीस लेंगे और उसके ऊपर इसकी एक लेयर बना देंगे, देखिए इस तरह से। तो ये डेजर्ट ना गर्मियों में बड़ा ही अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा और फटाफट बन भी जाता है। और बस हम इसको इस तरह से कवर कर देंगे और हल्के हाथों से एक बार दबा देंगे। तो ये देखिए दोनों ब्रेड आपस में अच्छे से चिपक गए हैं। तो इसी तरह से मैं सारे सैंडविचेस तैयार कर लूँगी। और अब हम ये सैंडविच लेंगे और ये जो चाशनी थी मैंने एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया और ये अच्छे से ठंडी हो गई है। बस अब हमें क्या करना है इसको इसमें डिप करना है। तो बहुत ज़्यादा डिप करके नहीं छोड़ना है, बस इसको चारों तरफ से एक बार चाशनी से गीला कर दें आप। और हम इसको निकालेंगे और यहाँ पर है मेरे पास नारियल का बुरादा और हम क्या करेंगे इसको चारों तरफ से ना नारियल के बुरादे से हल्का सा कोट कर देंगे। और ये बिल्कुल तैयार है। तो इसी तरह से मैं सारे सैंडविचेस तैयार करूँगी। तो ये देखिए मैंने सारे सैंडविचेस तैयार कर लिए हैं। तो बस इनको डेकोरेशन के लिए हम क्या करेंगे इस पर इस तरह से ऑरेंज कलर से छोटी छोटी बूंदें रख देंगे, इससे देखने में और भी सुंदर लगेंगे। तो आपने देखा इसको बनाना कितना आसान था और ये खाने में इतना टेस्टी होता है कि आप एक के बाद एक इसको खाते चले जाएंगे। और जो हमने स्टफिंग तैयार की है ना इसकी, आप इसको मल्टीपल चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप इसके पराठे बना सकते हैं, वो भी बड़े ही टेस्टी लगते हैं। तो ट्राई करिएगा आज की रेसिपी और हमें फीडबैक में बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।